आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग इंग्लिश में स्वागत। आज हम छठी से आठवीं क्लास की वर्कशीट नंबर 85 को सॉल्व करेंगे, जो कि 17 अक्टूबर के लिए है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट है, ये पोल्यूशन के बारे में है, यानी जिसे हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं। अब प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसके कारक क्या हैं, उससे हमें कैसे जागरूकता लानी चाहिए, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, ये कुछ आपके सामने चित्र हैं। ये चित्र को देख के आपको लग रहा है कि कैसे हमारे आसपास के पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। अब हम इस ये जो लिखा गया है इसको पढ़ते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, यानी जो प्रकृति में पदार्थ होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो संतुलित मात्रा में होती हैं। जो भी प्रकृति में चीज़ें, जैसे प्रकृति में वायु, ऑक्सीजन थी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, या जो भी चीज़ें होती हैं वो संतुलित मात्रा में होती थी। लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मानव ने जैसे जैसे विकास किया तो अनेक हानिकारक पदार्थों को और दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में हम कहाँ मिला देते हैं, पर्यावरण में मिला देते हैं। जाने अनजाने में कैसे, जैसे हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। सपोज़ करिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो जो धुआं उड़ रहा है तो वो कहाँ मिल रहा है, पर्यावरण में मिल रहा है। उस धुएँ में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस धुएँ में और भी जहरीली गैसें हैं, जो कि जाके जो संतुलित मात्रा है हवा की पर्यावरण में, उसको दूषित कर देती है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष उत्पन्न होता है। और जब दोष उत्पन्न हो जाता है, इसी दोष को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पदार्थ, पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब प्रदूषण जो होता है, केवल मानव को ही नहीं, जीव जंतुओं को और खुद पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इसमें निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान में क्या है कि जो बहुत सारी जो प्रदूषण की जो परिस्थिति है, बहुत भीषण हो चुकी है। आप देखते हैं दिल्ली में अब ठंडी आ रही, स्मॉग हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, जलन होती है, आंखों में जलन होती है, दिखता नहीं है। तो ऐसी स्थिति दुनिया के बहुत सारे शहरों में होती है। तो ये हमारे जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, मानव जीव जंतु सबके लिए बहुत हानिकारक है। तो अब वही है, और इन सबसे निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ में, सरकार में और आसपास के आपके विद्यालय में, जो आपके हम लोग हैं, अध्यापक हैं, आपको जागरूक करते हैं कि दिवाली आ रही तो पटाखे नहीं जलाने हैं, आपको मास्क पहनने हैं, आप हमको ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम बिजली बचाएं, हम गाड़ियों का कम उपयोग करें, पब्लिक वाहन का उपयोग करें। ऐसे बहुत सारे आपको देखेंगे विज्ञापन सरकार द्वारा, सरकार की संस्थाओं द्वारा, आपके विद्यालय में और भी कई सारी एनजीओ द्वारा किया जाता है। आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। अब बच्चों, यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, इसमें प्रदूषण को समाप्त करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी है, उसे लिखना। अब जैसे कि अब लिखेंगे आपको क्या जानकारी है? कि प्रदूषण के लिए पहली बार जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जागरूक ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि प्रदूषण क्या है, कैसे फैल रहा है, कैसे रुकेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, पेड़ लगाएं। जो वायु प्रदूषण है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ ऑक्सीजन देंगे, तो बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तीसरा, कि जल प्रदूषण से बचें, यानी जल को प्रदूषित करने से बचें, जल की बर्बादी से बचें। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है, हम साफ़ पानी से ही गाड़ी धुल रहे हैं, साफ़ पानी से ही अपने घर को धुल रहे हैं, तो वो जो पेयजल है उसको हमने दूषित करके ख़राब कर दिया। हम बहुत ज़्यादा पानी का बर्बाद करते हैं, तो वो पानी बर्बाद होकर नाले में जाता है और दूषित हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, हम उनको पानी में मिला देते हैं जाने अनजाने में। ये चीज़ें, फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों के जो जल हैं वो क्या होते हैं कि उनको जो उनका जो सीवेज प्लांट होता है, उसको सीधा नदी नाले में छोड़ दिया जाता है। तो उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट मतलब उनका सही से उपचार होना चाहिए, यानी जो फैक्ट्री से, जैसे ये मान लीजिए फैक्ट्री है, इसका जो गंदा पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर ये
प्लांट बना के ट्रीटमेंट, इस पानी को साफ करके फिर नदी में ले जाया जाए ताकि नदी का पानी साफ रहे। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या कर सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के लिए हमें पता है कि जो है हॉर्न कम बजाएं या हॉर्न का कम प्रयोग करें। जो तेज़ आवाज़ वाले जो वाहन हैं या तेज़ आवाज़ वाली जो फैक्ट्रियां हैं उन पे क्या उनको ऐसी मशीन नई मशीनें लगाई जाएँ ताकि वो कम ध्वनि प्रदूषण करें, उनको उनका समय समय पे मरम्मत की जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम क्या है कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसको साफ़ रखें। जब साफ़ नहीं रखेंगे धूल कम उड़ेगी, गंदगी कम होगी तो वायु प्रदूषण और वायु में जो धूल की मात्रा है वो कम होगी तो ये साफ़ हो जाएगी। लोगों को जागरूक करें। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी है, आपको और भी बच्चों जानकारी होगी, मैंने कुछ बताई है तो आप उसे इसमें इस बॉक्स में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है, प्रदूषण की हानियां तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन नारा लिखिए। अब प्रदूषण की हानि और जागरूकता का एक कोई आपको नारा लिखना है, जैसे एक है कल को बचाना है प्रदूषण को भगाना है, तो आपको क्या लिखेंगे? जैसे पेड़ लगाएं पर्यावरण बचाएं, ऐसे ही लिख सकते हैं हम सबकी है जिम्मेदारी पर्यावरण बचाना हमारी बारी, ये आप स्लोगन लिख सकते हैं। ऐसे आप कुछ भी स्लोगन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है, यानी जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके कारणों की क्या करिए आप सूची बनाइए। जल प्रदूषण क्यों होता है? आप अब जैसे मैंने एक बता दी, जैसे फैक्ट्री के जो गंदे सीवेज प्लांट हैं उससे होता है, हमारे घरों के जो सीधे नाले हैं वो सीधे नदियों और नालों में छोड़ दिए जाते हैं उससे होता है। तो ये हो गया, दो हो गया, और भी आप सोचिएगा कैसे होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? वाहनों से जो निकले धुएं से होता है, फैक्ट्रियों के निकले धुएं से होता है, और भी आप मैंने दो बता दिए, आप और लिखिए, जैसे पेड़ कट जाते हैं उससे होता है, और भी कई चीज़ें हैं आप अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ेंगे आप और भी जानकारी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तेज आवाज़ वाले वाहनों से होता है, तेज लाउड स्पीकर या डीजे चलाने से होता है, तो ये उसके कारण है दो। आप और मैंने दो दो बता दिए हैं, बच्चे एक दो और आप इसे खोज के लिखेंगे और फिर इसे अपने टीचर से इसको। इसके अलावा कोविड के संदर्भ में उचित क्या व्यवहार होने चाहिए यहाँ पे दिया गया है, क्या करना है आपको? नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन से धोएं और पानी से धोना है। इसके अलावा क्या करना है? हमेशा मास्क पहनना है। क्या करना है? मास्क पहनना है, सुरक्षित रहना है, यानी अपने घर में ही रहना है, बहुत कम बाहर जाना है। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम कोविड 19 से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो रही, आशा है सभी बच्चों को पसंद आई होगी। आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसे देख के अपने काम को कर सकें और ज्ञान अर्जित